बीटरूट यानी चुकंदर खाने के फायदे हम सभी को मालूम है, तो चलिए आज इसी बीटरूट से बनाते हैं एक चटपटी डिफरेंट रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक एट होम विद निधि मेहता। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये चटपटा बीटरूट, पर उससे पहले अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरी रेसिपी जरूर शेयर कीजिए। मैंने दो पीस बीटरूट के लिए हैं, बीटरूट यानी कि चुकंदर, इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब इसके ऊपर से इस तरह से टिप को रिमूव कर देते हैं और नीचे से बॉटम को भी रिमूव कर देते हैं, और इसको हम पीलर से छील लेंगे। छिलके को उतार के इसको मैंने एक बार फिर से वॉश कर लिया है। अब हम इसको स्लाइसेस में कट कर लेते हैं, बहुत ज्यादा थिक स्लाइसेस में कट नहीं करना है हमें इसको। ये इस तरह से मैंने इसको पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिया है। चटपटे बीटरूट की रेसिपी बना रहे हैं तो एक मसाला रेडी कर लेते हैं। उसमें मैं डाल रही हूँ बहुत थोड़ा सा नमक, नमक बहुत थोड़ा सा डालिएगा इसमें, थोड़ा सा काला नमक भी डाल देते हैं। 1/4 चम्मच डाल रही हूँ इसमें भुने हुए जीरे का पाउडर, और थोड़ा सा डाल देते हैं लाल मिर्ची का पाउडर, इससे बहुत अच्छा चटपटा सा मसालेदार टेस्ट आएगा। और 1/4 चम्मच इसमें डाल देते हैं अमचूर का पाउडर। इन सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें डाल देते हैं हम बीटरूट के स्लाइसेस और मसालों की इस तरह से इस पे कोटिंग कर देंगे। सिर्फ 5 मिनट के लिए हम इसको इसी तरह से रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, जिससे इस पे अच्छी तरह से मैरिनेशन हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, अब इसको कुक करना स्टार्ट करते हैं। मैंने नॉनस्टिक तवे को गरम कर लिया है और इसपे मैं बहुत थोड़ा सा घी डाल रही हूँ। आप इसकी जगह ऑयल भी यूज कर सकते हैं, और इसको हम ब्रश से पूरी तरह से स्प्रेड कर लेते हैं तवे पे। इसको हमें मीडियम टू लो आंच पे रखना है। मैरिनेटेड बीटरूट को हम स्लाइसेस को इस पे रख देते हैं, और इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए इस तरह से कवर करके हम कुक होने देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, इधर से एकदम से कितना बढ़िया कुक हो गया है, थोड़ा क्रिस्पी भी है और अंदर से सॉफ्ट है। इसी तरह से सभी को पलट लेते हैं और कवर करके सिर्फ 2 से 3 मिनट हम दूसरी साइड को भी पका लेंगे। 2 मिनट के बाद मैंने इसमें थोड़े से सेसमे सीड्स डाल दिए हैं, जो कि कैल्शियम से भरपूर हैं। बस हम गैस को बंद करके और इसको हम इसे उतार ले। देखिए कितना मजेदार और टेस्टी बीटरूट लग रहा है। आप चाहे तो इसको गर्म खाएं या चाहे इसको ठंडा करके खाएं, ये दोनों तरह से बहुत ही अच्छा लगता है, और चाहे तो इसके ऊपर नींबू भी डाल के खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी मेरी इस रेसिपी से ये हेल्दी और चटपटे मजेदार बीटरूट जरूर बना के देखिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। जल्द ही एक नई रेसिपी के साथ आपसे फिर मिलूंगी। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।